नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका सिंघल उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नए और पुराने निपुण लक्ष्य में क्या अंतर है। तो ये अंतर बहुत ही मामूली सा है। एक्चुअली जब निपुण भारत अभियान शुरू हुआ था तो दिसंबर 21 में हमें एक जियो आया था और उस जियो के अनुसार हमें कक्षा 1 से 3 तक के, बल्कि यूँ कहें कि बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के निपुण लक्ष्यों से हमें अवगत कराया गया था और उन्हीं के अनुसार हम लोग सभी कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में 27 जून में एक नया जियो आया था SCERT से और उस जियो में जनपद की त्रैमासिक योजना को प्रस्तुत किया गया था और त्रैमासिक कार्य योजना उसमें दी गई थी, जिसके अनुसार नए संशोधित निपुण लक्ष्य हम लोगों को दिए गए। यही मामूली सा अंतर है दोनों में। अभी मैं आपको पहले पुराने वाले लक्ष्य दिखाऊंगी और उसके बाद नए लक्ष्य दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा। तो आइए हम अपने निपुण भारत लक्ष्य को देख लेते हैं जो 23 दिसंबर के अनुसार हमें दिए गए थे। इन लक्ष्यों के अनुसार यदि हम भाषा में बात करें तो बाल वाटिका का बच्चा अक्षरों संकेत ध्वनि को पहचान कर कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेता है। कक्षा 1 में अर्थ के साथ 2 से छोटे छोटे शब्दों को 4-5 सरल शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में 45-60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लेते हैं और कक्षा 3 में 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ये भाषा के लक्ष्य पुराने लक्ष्यों के अनुसार। इसी प्रकार अगर गणित के लक्ष्यों में देखें तो गणित में बाल वाटिका का बच्चा 10 तक के अंकों की पहचान कर लेता है, पढ़ लेता है, बेसिक क्रियाएं कर लेता है। कक्षा 1 का बच्चा 99 तक की संख्याएं पढ़ लिख लेता है, सरल जोड़ और घटाव। कक्षा 2 में 99 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं बच्चे और 99 तक की संख्याओं का घटाव। कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ लिख लेते हैं और सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये है हमारे 27 जून के अनुसार जो जियो आया है उसके अनुसार नए निपुण लक्ष्य। इसके अनुसार बात करें तो भाषा के लक्ष्य, भाषा में बाल वाटिका में निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों को 2 अक्षर वाले वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 45 प्रति शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। इस प्रकार गणित में बात करें तो बाल वाटिका के बच्चे 10 तक की संख्याओं को पढ़ लेते हैं, दी गई संख्याओं की व्यवस्थित कर लेते हैं क्रम में। कक्षा 1 का बच्चा 1 अंकीय जोड़ व घटाव के 75% प्रश्नों को हल कर लेता है। कक्षा 2 का बच्चा जोड़ व घटा के 75% प्रश्नों को हल 99 संख्या तक 75% प्रश्नों को कर लेता है। इस प्रकार ये हमारे नवीन निपुण लक्ष्य के अनुसार हमारे लक्ष्य हैं जिनके अनुसार हमें अभी काम करना है। आशा करती हूँ नवीन और पुराने लक्ष्यों में अंतर हमें स्पष्ट हुआ है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी।